मैं जनूबी पंजाब के मारूफ शायर शायर शबाब हज़रत तंसीम इलैया की बेटी हूँ, जिन्होंने अल्लामा इकबाल की तसनीफ़ बाल जिब्रील का सराय की तर्जमा करके इकबाल शनासी के हवाले से अहम काम किया। इकबाल की शायरी की सबसे अहम खसूसियत जिसने उन्हें आलमगीर शोहरत अता की वो ये है कि उन्होंने वारदात कल्बी से हटकर खुद ही का तसव्वुर तश्कील दिया, जो बहुत ही आला व अरफा तसव्वुर है। उनका मुखातिब नौजवान मुस्लिम है जिसके सर पर कौम की तकदीर है। वो मुसलमान को उनकी गुमगुश्ता मीरास से जोड़ना चाहते हैं। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तो जिसका है एक टूटा हुआ तारा। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। और पाकिस्तान के तसव्वुर के पस मंज़र में भी उनकी यही सोच कार फरमा है कि मुसलमान नौजवान को उसके असील मकाम से जोड़ना, खुद ही की मंजिलें तय करके उसे मंजिल तक पहुंचाना। और मैं समझती हूँ कि ऐद हाजिर में तो उनकी शायरी को मुकद्दस सहीफ़ों की तरह इस्लामिक रिसर्च सेंटर में भी रखना चाहिए, क्योंकि अलामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए जो पैगाम दिया वो दरअसल हमारे दीन इस्लाम का ही पैगाम है। इकबाल का नामो मकाम शायर मशरिक डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल है, लेकिन मैं समझती हूँ कि वह हकीकता मुबल्लिग इस्लाम ही है। ए तायर लाहौती उस रिस से मौत अच्छी, ए तायर लाहौती उस रिस से मौत अच्छी, जिस रिस से आती हो परवाज़ में कोताही। इकबाल शनासी के हवाले से इकबाल अकादमी पाकिस्तान का एक ऐसा काम है कि यौम आज़ादी के हवाले से इकबाल शनासी को फ़रोग़ दिया जाए ताकि उनकी शायरी की रूह तक भी रसाई हासिल हो। और इस हवाले से डायरेक्टर इकबाल अकादमी मैडम बसीरा अमरीन साहिबा लायक़ तहसीन है। मैं ये समझती हूँ कि इकबाल का पाकिस्तान उनका ख्वाब इस्लामी मुमलिकत है, उनकी शायरी का बुनियादी तसव्वुर और मकसद यही है।